कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि टिकटों पर अटकलें नहीं लगाएं, दिवाली बाद ही टिकटों की सूची जारी की जाएगी। पायलट ने कहा कि मीडिया में टिकटों की सूची आने से कई लोगों का बीपी लो और हाई हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक एक सीट पर टिकटों को लेकर चर्चा हुई है। दिवाली तक कोई भी अटकलें ना लगाएं। इस दौरान पायलट ने ये भी कहा कि हमारा घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र होगा, हर वर्ग से हमारा संवाद कायम है और 15 से 18 नवंबर के बीच घोषणा पत्र जनता के बीच आएगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अटकलें ना लगाएं, बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए दिवाली तक सब शांति से अपने घर में तैयारियां करें। और मैंने सब वर्कर्स को भी कहा है कि जो भी टिकटार्थी हमारे हैं, पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में रहकर मैदान में जो कांग्रेस की बढ़ी हुई सक्रियता है उसको बरकरार रखें। मुझे लगता है कि दिवाली के तुरंत बाद हम लोग अपनी पहली लिस्ट लेकर आएंगे और हमारा घोषणा पत्र एक जन घोषणा पत्र है, तो लगातार संवाद हम लोगों ने स्थापित किया प्रदेश के अलग अलग सामाजिक संगठनों से, नागरिकों से, नौजवान, किसान, लघु उद्योग, दुकान चलाने वाले, वृद्ध लोग, महिला, दलित, आदिवासी, अगड़े पिछड़े, उन तमाम लोगों से निरंतर हमारा संपर्क जारी है। और जनता के सुझाव के बाद हम बहुत जल्द, संभवतः नवंबर के 15-18 के आसपास, हम अपना घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र जनता के बीच लेकर आएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट को लेकर टकटकी लगाए बैठे संभावित उम्मीदवारों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर शुक्रवार को टिकटार्थियों के समर्थकों में जमकर हंगामा हुआ। आपस में कहासुनी के बाद प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रशांत बैरवा के विरोधी और समर्थकों ने जमकर हाथापाई हुई। निवाई से बैरवा की दावेदारी पर विरोधी गुट और समर्थकों के बीच हुई इस हाथापाई के दौरान पीसीसी के बाहर जमकर नारेबाजी भी हुई। टिकट के लिए समर्थकों और विरोधियों के बीच ये हंगामा इतना बढ़ गया कि हालात काबू करने के लिए पीसीसी का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस को भी मामला शांत करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि प्रशांत बैरवा को 4 साल पहले अनुसूचित जाति के वोटरों के खिसके जनाधार को बढ़ाने के लिए कवायद के तहत लगाया गया था। कांग्रेस ने SC वोटरों को जोड़ने के लिए बैरवा को अजमेर संभाग का समन्वयक नियुक्त किया था। प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति का सिलसिला अभी थमा नहीं है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने वापस कांग्रेस का दामन थामा, वहीं मीणा समाज के युवा नेता नरेश मीणा भी कांग्रेस में शामिल हुए। पीसीसी कार्यालय में चौधरी ने प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी दौरान मीणा समाज के युवा नेता नरेश मीणा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भाजपा के बूथ संपर्क महाअभियान की जानकारी दी। इसके साथ ही सचिन पायलट और हरीश चौधरी दोनों को जमकर आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट बाहरी हैं, उन्हें राजस्थान की संस्कृति और राजस्थानियों की संवेदनाओं का एहसास नहीं है। शायद यही कारण है कि वो यहाँ की राजनीति को ठीक से नहीं समझते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि उस घोषणा पत्र के सुझावों के मांगने के जरिए उन्होंने कुछ बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अनेक अवसरों पर वो रोजगार की बात करते हैं नौजवानों को, तो कई बार तो ऐसी आती है कि इस तरीके से क्लेम करते हैं कि जैसे उन्होंने पिछले 47 वर्षों में रोजगार दे दिया हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको हटा दिया हो। उनको पूरा अवसर था जो मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन आज का जो दृश्य था उनकी पीसी के दौरान, उनके दफ्तर के बाहर झगड़े की नौबत आई, नारे लगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी ने भी अपने आप को अघोषित रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और ये दावा किया कि नंबर वन बनने का रास्ता उनको भी पता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, टिकट वितरण की तैयारी से लेके मुख्यमंत्री का चेहरा
और बूथ पर संपर्क, इस बूथ संपर्क अभियान की कांग्रेस पार्टी ने नकल करने की कोशिश करी थी, एक अभियान चलाया था मेरा बूथ मेरा गौरव, लेकिन हुआ इसका उल्टा कि मेरा बूथ और मेरा जूत, और उनको लपेटना पड़ा, वापस समेटना पड़ा। कांग्रेस के आज दिन भर की हलचल के बारे में अनिल जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कांग्रेस की दृष्टि से आज तीन महत्वपूर्ण घटना हुई। सबसे पहले सचिन पायलट की प्रेस ब्रीफिंग, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहली सूची दीपावली के बाद आएगी। अगर दर्शकों को याद हो, हमने 15 दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस की पहली सूची दीपावली के बाद ही आएगी, और उसके पीछे तर्क ये था कि जिनका टिकट कटेगा या जिनका टिकट बदला जाएगा या जिन्हें उम्मीद है टिकट मिलने की और नहीं मिलेगा, उनकी दीपावली पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती, और जिन्हें टिकट मिल जाता है उनकी भी दीपावली इस मायने में ख़राब हो जाती है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उम्मीद करते हैं कि दीपावली की रामा श्यामा करने के लिए प्रत्याशी हमारे पास आए, वोट मांगने आएगा जब तो आएगा, लेकिन दीपावली पे क्यों नहीं आया। तो ये कई तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, कई तरह की दीपावली पे एक हर्ष का त्यौहार है, दीप जलाने का त्यौहार है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं, हिंदू समाज का, बल्कि पूरे देश का। इसलिए पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जितने लोग उम्मीद से उनमें किसी की भी उम्मीद का दिया बुझाया जाए दिया जलाने के पर्व के पहले। तो ये बात जो हम पहले से जानते थे, रामचंद्र चौधरी के कांग्रेस में फिर से शामिल होने की बात है। रामचंद्र चौधरी परसा मदेना के खास रहे हैं और अजमेर में वो ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रहे हैं कि डेयरी मूवमेंट में तो उनका हमेशा कब्जा रहता है, कई बार अध्यक्ष बन गए अजमेर डेयरी के, लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, चाहे निर्दलीय लड़ें चाहे पार्टी के टिकट पर लड़ें बगावत करें, वो हमेशा हार का मुंह देखते रहे, क्योंकि वो मसूदा की उस सीट से लड़ते हैं जहां 3-4 लोग खड़े जाते हैं, 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार 3-4 लोग ले आते हैं, वो भी एक होते हैं और 30-1 हज़ार वाला जीत जाता है। तो उनके पास 20-22 हज़ार का वोटों का एक जखीरा है जो हर वक्त चाहे वो पार्टी से लड़ें चाहे पार्टी से बगावत करके लड़ें उनके साथ रहता है।